जो बहुत लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ये पेन होता क्या है, ये गठिया है क्या, तो इस गठिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इससे आपको पता चलेगा कि अगर सही डायग्नोसिस होगी तो एक मेडिसिन से ही बात बन सकती है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो डिस्कशन है हमारी आर्थराइटिस सीरीज़ के अंदर, गठिया बाय वाली सीरीज़ के अंदर, एल्डरली पेशेंट्स के अंदर होने वाले एक पेन के बारे में है, जो बहुत लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ये पेन होता क्या है, ये गठिया है क्या, तो इस गठिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इससे आपको पता चलेगा कि अगर सही डायग्नोसिस होगी तो एक मेडिसिन से ही बात बन सकती है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अगर हम एक एल्डरली पेशेंट को देखें जो 60s और 70s की एज हो जिसकी, और वो मॉर्निंग में बड़ी स्टिफनेस बताएं, बॉडी में बहुत जकड़ाहट हो रही है और जकड़ाहट के साथ साथ पेन होता है, और जकड़ाहट भी जो होती है, जकड़ाहट मतलब कि जब वो उठते हैं तो बॉडी के अंदर एक स्टिफनेस लगती है, खिंचाव लगता है, शरीर खुल नहीं रहा है चल उठने के बाद, तो वो जो चीज़ है वो लगभग 40-45 मिनट बनी रहती है, तब जाके शरीर में थोड़ा सा खुलापन आता है, तब लगता है कि बॉडी अभी खुली है मेरी, एक्टिव हुई है। उसके साथ साथ उसको बायलैटरल शोल्डर के अंदर पेन होता है, पेन के साथ साथ स्टिफनेस होती है, वो स्टिफनेस कई बार नेक रीजन तक भी होती है। एल्डरली स्टिफनेस के साथ साथ पेन शोल्डर में और नेक में, उसके अलावा अगर वो बोले कि मुझे हिप जॉइंट के आसपास के रीजन में भी पेन हो रहा है, तो हम इस डायग्नोसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अंदर आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई आपके किसी और जोड़ में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मली नहीं होती है। हाथ के जॉइंट में कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं है, आर्थराइटिस के और फीचर्स तो नहीं आ रहे हैं, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। जब हम लैब टेस्ट कराते हैं ये सोच के कहीं कोई आर्थराइटिस का टेस्ट तो नहीं है, तो उसमें सिर्फ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट जो होते हैं, जो किसी भी गठिया में या माइल्ड इन्फेक्शन में बढ़े हुए हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ESR और CRP, वो इसके अंदर बढ़े हुए आते हैं। बट अगर हम रूमेटॉइड के लिए टेस्ट कराते हैं, RA फैक्टर, anti-CCP एंटीबॉडीज़, ANA, वो सब नेगेटिव आते हैं इसके अंदर। अगर उनमें से कोई भी पॉजिटिव आ रहा है तो ये वाले पेशेंट के अंदर ये डायग्नोसिस नहीं बनेगी। इस डिज़ीज़ को बोलते क्या हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलीमायल्जिया रूमेटिका। पॉलीमायल्जिया, पॉली का मतलब बहुत सारी, मायल्जिया यानी मसल के अंदर होने वाला पेन, रूमेटिका मतलब एक तरीके से इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन है, जैसे कि गठिया बाय जोड़ों में होती है, यहाँ प्रॉब्लम मसल्स के अंदर हो रही है। कई बार लोग शोल्डर में होने वाली प्रॉब्लम को फ्रोजन शोल्डर समझ लेते हैं, वहाँ गलत डायग्नोसिस लेते हैं, हिप के जॉइंट के अलावा आसपास किसी और डिजीज़ को सोचने लगते हैं, तो कुल मिला के ऐसे करके कंफ्यूज्ड हो जाती है। बट अगर जैसे हम चल रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को मॉर्निंग में 40-45 मिनट की स्टिफनेस है, उसके शोल्डर और नेक वाले जॉइंट के अंदर स्टिफनेस, खिंचाव रहता है, पेन रहता है, हिप जॉइंट के आसपास पेन रहता है, और ESR CRP बढ़े हुए होते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर, anti-CCP एंटीबॉडी ये टेस्ट नेगेटिव होते हैं, तो आप पॉलीमायल्जिया रूमेटिका की डायग्नोसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। फीमेल पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ एक और ख़ास सिचुएशन इसमें होती है जो बहुत ही पिक्यूलियर होती है, एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं जाइंट सेल आर्थराइटिस। तो जाइंट सेल आर्थराइटिस की जो सिचुएशन होती है, या तो वो इस पॉलीमायल्जिया के साथ साथ शुरू होती है, या इससे पहले शुरू हो जाते हैं उसके फीचर्स आने, या उसके बाद आते हैं, बट इस पॉलीमायल्जिया रूमेटिका के साथ साथ जाइंट सेल आर्थराइटिस के फीचर्स भी आते हैं। अब होता क्या है जाइंट सेल आर्थराइटिस में, इसके अंदर आपको फीचर्स मिलेंगे हेडेक इसी पेन के साथ, उसके अलावा आइज में विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, और जॉ के एरिया में क्लॉडिकेशंस आ सकते हैं। तो ये फीचर्स इसके साथ मैच करते हैं, आपकी डायग्नोसिस और पुख्ता हो जाती है, ये सिचुएशन उसके साथ मैच करती है। उसके अलावा जो हमने मसल पेन की बात की है, मसल में पेन है, बट जो मसल पेन होने के साथ साथ जो दूसरे टेस्ट होते हैं जो ये बताते हैं ये सिचुएशन मसल पेन से जुड़ी हुई है, जैसे कि मसल के एंजाइम्स का रेज होना, जैसे कि LDH, एल्डोलेज और दूसरे मसल के एंजाइम्स होते हैं, वो टेस्ट बढ़ जाते हैं अगर कोई डिजीज़ मसल की होती है, इसमें ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात कि आप EMG, एक टेस्ट होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसमें आप मसल की एक्टिविटी चेक करते हो, वो भी इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, वो दूसरी सिचुएशंस होती हैं, डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस, वो दूसरी गठिया बाय की सिचुएशंस हैं, इसमें नहीं होता है। उनमें मसल की बायोप्सी लेके आपको डिजीज़ के बारे में पता चलता है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्हीं फीचर्स से हम डायग्नोसिस बना देते हैं।
तो इन्हीं फीचर्स के साथ आपको पता लग जाता है कि इस पेशेंट को पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका है, इसको फ्रोजन शोल्डर नहीं है, इसको कोई बर्साइटिस नहीं है, टीनोसाइनोवाइटिस नहीं है, ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड हो जाती हैं अगर ये सारे फीचर्स जो डिस्कस किए हैं ये सारे पेशेंट के साथ होते हैं। करना क्या है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लो डोज प्रेडनिसोलोन देने पे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, पेशेंट की सिचुएशन बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करती है, अनटिल अनलेस उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो स्टेरॉइड्स के लेने से, बट लो डोज में देते हैं और उससे एकदम से पेशेंट को रिलीफ होता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम की डायग्नोसिस, इस गठिया बाई की सिचुएशन के लिए डायग्नोसिस बनना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो पॉलीमायल्जिया रूमेटिका एल्डरली पेशेंट के होने की बॉडी में होने वाली स्टिफनेस है, पेन है जो मसल में होती है नेक से लेके शोल्डर और हिप रीजन के आसपास। सो आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आर्थराइटिस सीरीज के हमारे बहुत सारे वीडियोस के साथ साथ चलने हैं और चलते जा रहे हैं, आप उनको देखिए, देखिए कि आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम जुड़ी है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और ऐसे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ केयर। थैंक यू।